वेरी लॉजिकल डे एवरी वन वेलकम टू जी क्विज इन दिस जी क्विज वी आर गोइंग टू डिस्कस डेली ट्वेंटी होने वाले हैं एटीन मार्च के न्यूज पेपर से न्यूज पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को हम कवर करने वाले हैं इसके अलावा एटटीन ऑफ मार्च से जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं इसके अलावा लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन है रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट

वो आपके फॉर्म किए जाएंगे इन दी राजस्थान अभी प्रेजेंटली 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में और 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉर्म किए जाने हैं अगला क्वेश्चन है विच यूनिट रिसीव्ड दी प्रेसिडेंट्स कलर फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट्स कलर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं प्रेसिडेंट कलर एक ऐसा अवार्ड होता है जो कि एक मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस टूवर्ड द नेशन नेशन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज के लिए मिलिट्री यूनिट को यह दिया जाता है तो रिसेंटली किस को यह दिया गया Options है ऑप्शन है आई विराट आई विक्रमादित्य आई द्रोणाचार्य और आई एन एस सिंधुराज तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन आई द्रोणाचार्य आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर दिया गया है रिसेंटली हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा आईएनएस द्रोणाचार्य जो है वो आपका एक गन स्कूल है गनरी स्कूल है लोकेटेड इन कोची कोची में लोकेटेड है एक गनरी स्कूल है आईएनएस द्रोणाचार्य और इससे पहले हमने बात की थी कि हरियाणा पुलिस को भी हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स जो था वो मिल चुका है अभी रिसेंटली तो ये भी आपको याद रखना है कि हरियाणा पुलिस को इसके साथ ही आई द्रोणाचार्य को भी ये अवार्ड दिया गया है

किन चार स्टेट में ही होने वाला है तो हिमाचल प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ये होने वाले हैं। आपके ग्रीन नेशनल वुड्स तो कॉन्फ्रेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्फ्रेंस जो है आपको पता होना चाहिए ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था नाइनटीन में और हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी में वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है ये भी आपको याद रखना है और तो करेंटली हमने देखा था कि अजय बांगा को नॉमिनेट किया गया है जो बाइडन के द्वारा फॉर प्रेसिडेंटशिप ऑफ वर्ल्ड बैंक करेंटली अभी डेविड मालपास जो है वही प्रेसिडेंट है डेविड मालपास करेंटली प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के पर डेविड मालपास के टर्म के बाद में अजय बांगा जो होंगे वो होपफुली प्रेसिडेंट होंगे वर्ल्ड बैंक के क्योंकि इन्हें नॉमिनेट किया गया है जो बाइडेन के द्वारा यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा विच नाटो कंट्री रिसेंटली गिव मेक 29 फाइटर जेट्स टू यूक्रेन किस नाटो कंट्री ने रिसेंटली मेक 29 फाइटर जेट्स दिए हैं यूक्रेन को ऑप्शंस हैं कनाडा यूएसए बुल्गारिया और पोलैंड तो पोलैंड जो है पोलैंड ने रिसेंटली अबाउट अ डजन अबाउट 12 मेक 29 फाइटर जेट जो है वो यूक्रेन को देने के लिए अनाउंस किया है इसके साथ ही स्लोवाकिया भी इसमें जुड़ गया है स्लोवाकिया भी थर्टीन मिग ट्वेंटी है वो यूक्रेन यु, को देने वाला है तो पोलैंड और स्लोवाकिया दोनों ही ये जो फाइटर जेट है मिग ट्वेंटी नाइन वो देने वाले हैं आपके यूक्रेन को नाटो के बारे में बात कर लेते हैं नाटो का स्टेब्लिशमेंट हुआ था नाइनटीन फोर्टी नाइन में हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स में ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो है आपके जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। और नाटो तो नाटो है क्या? ना तो एक मेंबर बॉडी है थर्टी है इसमें आउट ऑफ विच ट्वेंटी एट आर यूरोपियन नेशंस, ट्वेंटी एट इसमें से यूरोपियन नेशंस है और टू नॉर्थ अमेरिकन नेशंस है टू नॉर्थ अमेरिकन नेशंस है जिसमें यूएसए और कैनेडा है तो ये भी आपको याद रखना है कि थर्टी मेंबर्ड बॉडी है करेंटली ये जिसमें से ट्वेंटी एट यूरोपियन नेशन है और टू नॉर्थ अमेरिकन नेशन है यूएसए एंड कैनेडा स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका नाइनटीन फोर्टी नाइन में हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और करेंटली जो सेक्रेटरी जनरल है वो है जेमस स्टोल्टन बर्ग रिसेंटली एस सीओ टूरिज्म मीटिंग बिगेन इन विस सिटी किस सिटी में एस सीओ की टूरिज्म मीटिंग जो है टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो हेल्ड की गई है ऑप्शन है न्यू डेली रांची वाराणसी और मुंबई तो वाराणसी में रिसेंटली स्टार्ट हुई है आपकी SCO की टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग वाराणसी है, है।, है यह भी आपको याद रखना है सिक्स्थ क्वेश्चन है रिसेंटली गवर्नमेंट अनाउंस टेन परसेंट रिजर्वेशन इन विच आर्म फोर्सेस फॉर फॉर्मर अग्निवीर जो भी अग्निवीर अग्निवीर होंगे उनके लिए टेन परसेंट रिजर्वेशन जो है वो अनाउंस किया गया है तो किस आर्म फोर्सेस में ये अनाउंस किया गया है ऑप्शंस हैं CISF CRPF BSF और बोथ ए एंड सी बोथ ए एंड सी मतलब CISF और BSF तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी अभी रिसेंटली जो है CISF में अनाउंस किया गया है बट इससे पहले हमने देखा था कि BSF में भी अनाउंस किया गया था 10% रिजर्वेशन तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ CISF एज़ वेल एज़ BSF बी एस एफ और सीआईएसएफ में फॉर्मर अग्निवीर जो होंगे उनके लिए टेन परसेंट तक का रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है रिसेंटली रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज वाइस वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑफ नेपाल नेपाल किसे इलेक्ट किया गया Options है ऑप्शन है सहाय प्रसाद रामचंद्र पौडिल पुष्प कुमार दहल और विद्या देवी भंडारी तो राम सहाय प्रसाद यादव जो है उन्हें रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल जो है इलेक्ट किया गया है इससे पहले रामचंद्र पौडिल को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था यह है प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल और पुष्प कुमार दहल ये हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल तो ये हो गए आपके वाइस प्रेसिडेंट राम सहाय प्रसाद रामचंद्र पौडेल जो हैं आपके प्रेसिडेंट हैं नेपाल के और पुष्प कुमार दहल आपके प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के यह है राम सहाय प्रसाद यादव जो कि रिसेंटली इलेक्ट किए गए हैं एज दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल हाउ मेनी रेलवे स्टेशन टू बी रिवेड अंडर आदर्श स्टेशन स्कीम आदर्श स्टेशन स्कीम एक government की scheme है, स्कीम है, जिसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन जो है वो किया जाने वाला है तो कितने स्टेशन इसके लिए सिलेक्ट किए गए ऑप्शन है हैं 1170, 1253, 1350 और 1470। इसका करेक्ट आंसर है 1253, 1253 हंड्रेड रेलवे स्टेशन जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं टू बी रिवेम्ड अंडर आदर्श स्टेशन स्कीम आदर्श स्टेशन स्कीम की बात करें तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2009 में ये भी आपको याद रखना है 2009 में हुई हुई थी आपकी, हुई थी आपकी स्टार्ट आदर्श स्टेशन स्कीम और 1253 इसमें सिलेक्ट किए गए हैं टू बी रिवेम्ड अंडर दिस स्कीम नाइन्थ क्वेश्चन है अंडर पीएम मित्र स्कीम हाउ मेनी टेक्सटाइल पार्क विल बी स्टैब्लिश कितने टेक्सटाइल पार्क जो है वो स्टेबलिश किए जाने हैं अंडर दी पीएम मित्र स्कीम पीएम मित्र स्कीम जो है वो आपकी टेक्सटाइल से ही रिलेटेड एक स्कीम है कितने टेक्सटाइल पार्क इसने अनाउंस किए थे स्टेब्लिश करने के लिए ऑप्शन है आपके चार पांच छ और सात तो सात टेक्सटाइल पार्क जो है वो स्टेब्लिश किए जाने वाले हैं अंडर दी पीएम मित्र स्कीम कहां कहां पर ये स्टेब्लिश किए जाने वाले तो हम मैप में देख लेते हैं तमिलनाडु तेलंगाना कर्नाटका महाराष्ट्र गुजरात एमपी और यूपी में ये स्टेब्लिश होने वाले हैं एक दो तीन चार पांच छह सात ये सात जगह जो है आपके टेक्सटाइल पार्क स्टेब्लिश किए जाने हैं अंदर पीएम मित्र स्कीम पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल्स पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल्स आपका फुल फॉर्म है पीएम मित्र का यह भी आपको पता होना चाहिए और किन किन जगह पर

अपॉइंट किए गए हैं यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं रवि चौधरी ये एस जयशंकर इनोग्रेटेड विच कंट्रीज जॉफरी बाबा एग्जीबिशन इन न्यू डेली किस कंट्री का जॉफरी एग्जीबिशन जो है इनगरेट किया है रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स एस जयशंकर ने ऑप्शन है बांग्लादेश श्रीलंका अफगानिस्तान और नेपाल इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका श्रीलंका का एग्जीबिशन है ये जोफरी बाबा एग्जीबिशन जो कि न्यू डेली में अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये एग्जीबिशन में है क्या तो दिस एग्जीबिशन फीचर्स दी ऑफ श्रीलंका आइकोनिक आर्किटेक्ट श्रीलंका का आर्किटेक्ट जो है वो डिस्प्ले करता है ये एग्जीबिशन और ये इंडिया श्रीलंका का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको सेवन ईयर कंप्लीट होने वाले हैं साल तो इसलिए ये जो है वो इंडिया में हेल्ड किया गया है जोफरी बाबा की बात करें तो ये फेमस आर्किटेक्ट है श्रीलंका के इसलिए उनके नाम पर ये एग्जिबिशन जो है कंडक्ट की जाती है रिसेंटली विच कंट्री रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड नेशंस लीस्ट डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी इस लिस्ट से किस को किस कंट्री को रिसेंटली निकाल दिया गया ऑप्शन है भूटान बांग्लादेश नेपाल और अफगानिस्तान तो भूटान भूटान को रिसेंटली लिस्ट डेवलप्ड नेशंस की लिस्ट जो है उससे निकाल दिया गया है अभी एक समिट कंडक्ट की गई थी यूनाइटेड नेशंस लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की समिट थी दोहा कतर में ये कंडक्ट की गई थी जिसमें अनाउंस किया गया है कि भूटान इज नो मोर लीस्ट डेवलप्ड नेशन भूटान अब लीस्ट डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में नहीं आता है बट हमारे जो नेबर्स हैं नेपाल बांग्लादेश और अफगानिस्तान अभी भी इस कैटेगरी में आते हैं नेपाल बांग्लादेश और अफगानिस्तान अभी भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं इस लिस्ट में आते हैं और अभी करेंटली फोर्टी सिक्स नेशन जो है वो डेजिग्नेटेड है यूनाइटेड नेशन में एज द लीस्ट डेवलप्ड नेशन

वेयर इज दी हेड क्वार्टर ऑफ नासा लोकेटेड नासा का हेड क्वार्टर कहां पर है ऑप्शन है न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया वॉशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को तो वॉशिंगटन डीसी कैपिटल ऑफ यूएसए वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है आपका हेड क्वार्टर ऑफ नासा नासा क्या है नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यूएसए की हाईएस्ट स्पेस रिसर्च एजेंसी है स्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 1958 में और करेंटली हमने देख लिया है हैडक्वार्टर तो इसका वॉशिंगटन डीसी में है ही

इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है कहां पर इट इज लोकेटेड इन सिटी विस्त हैदराबाद बेंगलुरु न्यू डेली और मुंबई तो बेंगलुरु जो है वहां पर आपका लोकेटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ये भी आपको याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स लोकेटेड इन बेंगलुरु और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने एक और चीज डेवलप की थी लास्ट ईयर हमने देखा था लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व

ओवर यूक्रेन यूक्रेन के में जो भी उन्होंने अटैक किया था लास्ट ईयर उसके कारण एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पर लोकेटेड है है आईसीसी का पेरिस हेग हेग न्यूयॉर्क और जेनेवा तो हेग जो इंटरनेशनलैंड जहां पर आपका आईसीजे का भी हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हेडक्वार्टर है द हेग में वहीं आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एंड इट इज द टोटली डिफरेंट बॉडी फ्रॉम आईसीजे आईसीजे को आईसीसी से इंटर रिलेट नहीं करना है दोनों ही अलग अलग बॉडी हैं ये हु रिसीव द प्लेयर ऑफ द ईयर एट हॉकी इंडिया अवार्ड हॉकी इंडिया ट्वेंटी 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है ऑप्शन है हार्दिक सिंह सविता पुनिया गुरु बुक्स सिंह एंड बोथ एंड इसका करेक्ट आंसर है हार्दिक सिंह एंड सविता पुनिया हार्दिक सिंह को मेल कैटेगरी में और सविता पुनिया को फीमेल कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बाय हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2022। अगला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया द सोल बॉडी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स प्रोमोटिंग हॉकी इन इंडिया वॉज इस्टिश इन विच इकलौती बॉडी है टूवर्ड्स प्रोमोटिंग हॉकी इन इंडिया तो ये कब स्टैब्लिश हुई थी ऑप्शन है आपका हॉकी इंडिया हॉकी इंडिया आपका स्टैब्लिश हुआ है 2009 में इससे पहले आपका हुआ करता था इंडियन हॉकी फेडरेशन इंडियन जो की 1925 में हुआ, आपका हुआ था 1925 में बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में 2008 में इसको डिसमिस कर दिया उसके बाद 2009 में हॉकी इंडिया जो है वो स्टैब्लिश किया गया और वो अब देखता है मैटर्स रिगार्डिंग दी हॉकी इन इंडिया

कॉन्क्लेव ट्वेंटी टू आर्मी चीफ्स की और इंडिया और अफ्रीका के जो नेशंस है वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले इसके साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइज अफिंडेक्स भी कंडक्ट की जाने वाली है इंडिया और अफ्रीकन नेशंस के बीच में तो ये भी आपको याद रखना है अफिंडेक्स किसके बीच में तो इंडिया और अफ्रीकन नेशंस के बीच में और ट्वेंटी आर्मी चीफ्स की कॉन्क्लेव जो की इंडिया और अफ्रीका के अफ्रीका के कंट्रीज के आर्मी चीफ्स हैं उनके बीच में होने वाली है वो भी इंडिया में आपकी होने वाली है। कल का क्वेश्चन था विच स्टेट इन इंडिया इज टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट एज पर बेसिक एनिमल हजबेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022, इसका करेक्ट आंसर था राजस्थान राजस्थान ने रिसेंटली सरपास कर दिया है उत्तर प्रदेश को इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया कल के लिए क्वेश्चन है विच सिटी इज रिसेंटली ऑनर्ड विथ डॉलर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ग्लोबल अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल एफर्ट्स ऑप्शन है चेन्नई मुंबई न्यू डेली और बेंगलुरु इसका आंसर आप वो कमेंट बॉक्स में देना है इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में तब तक पढ़ते रहिए एंजॉय योर स्टडीज एंड यून विद वि